कहते हैं कि किसानों को अन्नदाता माना जाता है और यदि वो फसल ना उपजाए तो इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनका खान पीन रुक सकता है, क्योंकि जब किसान फसल ही नहीं उपजा पाएंगे तो मनुष्य खाएगा क्या। हम बात कर रहे हैं बिहार के किसानों की, जहां पर किसानों को यूरिया और डीएपी खाद में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। हालांकि मानव का एक रीढ़ किसान माना जाता है, लेकिन किसानों के बीच खाद बीज की बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। इनका कहना है कि खाद सही समय पर नहीं मिल पाता है और दुकानदार मनमानी पैसा वसूली करते हैं। तो फिर हम किस प्रकार से फसल उपजाऊ करेंगे, और इसी कारण से पूर्वजों से कई किसान लोन का शिकार हो जाते हैं और वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी पर लगे हुए हैं, लेकिन जो कालाबाजारी हो रही है, जिस प्रकार से हमें किसानी करने में परेशानी हो रही है, खाद को सही समय पर नहीं दिया जाता है और अधिक पैसा लिया जाता है, इस पर सरकार की नजर नहीं जाती है, लेकिन शराबबंदी पर उनका नजर क्यों जा रहा है। अच्छा चाचा, सबसे पहले ये बताइए, आप लोग जो किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ समस्या आती है आप लोगों को? बहुत सारा समस्या है। समय पर बीज नहीं मिल रहा, समय पर खाद नहीं मिल रहा, खाद मिलता है तो ऊंचे दाम में मिलता है। सरकार का कहना है 266 रुपये में यूरिया मिलता है 330 रुपया में। आधार कार्ड ले लेता है, आधार कार्ड लेने के बाद वो 300 रुपया मनमानी करके रेट लेता है। डीएपी का जो रेट है कुछ है, और वो 1250-1300 के रेट पर बेचते हैं। और यहाँ भी इलीगल होता है? हाँ, अभी भी ऐसा ही, कहीं कुछ नहीं है, रोकथाम कुछ नहीं है। सरकार के साथ एमओयू हुआ है, लेकिन वो सब झूठा बात है। हाथी के दो दांत होते हैं, समझ गए? सरकार की दो दांते हैं, राजनीति करने के लिए कुछ और है और जनता के बीच दिखाने वाले कुछ और हैं। यही सब बात है। सरकार को, नीतीश कुमार को केवल दारू ही सूझता है, किसान का कुछ नहीं सूझता। इतना कठिन मेहनत करने के बावजूद भी हम लोगों को कुछ सेवा मुहैया नहीं हो रहा है, ना समय पर खाद मिलता है, ना बीज मिलता है, उनको सिर्फ दारू ही सूझता है। दारू के सिवा कोई और अन्य कोई काम है नहीं। सरकार दावा करती है कि आप लोग को पूरा खाद का पूरा समस्या दूर होती है। खाद का समस्या तो वही तो है, गेहूं का बुआई का समय में 1500-1700 रुपये डीएपी लेकर के कहीं कहीं से लेकर भाव किए हैं। कोई ऐसा किसान है जो कि देख लीजिए, मेरे खेत में खाद नहीं पड़ा, मेरा खेत खराब है, अब क्या करें? दूसरे दवाई दे करके तो हम इससे निकाल रहे हैं, खाद नहीं मिले कारण ऐसा दशा हुआ। तो क्या इस बार फसल की उपजाऊ सही से नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, खाद की गुणवत्ता जो सही नहीं है, इसलिए इसमें खाद वैसा मिट्टी में तो पोषण तत्व नहीं मिलेगा। क्वालिटी भी कुछ कम कर दिया गया है? हाँ, खाद की क्वालिटी भी, पहले को जो डीएपी था उसमें और नया में जो आया उसमें अंतर है। क्या फर्क है ये बताएंगे? पहले वाला जो था सो बढ़िया उपज होता था, अभी तो पता नहीं क्या है उसमें, रासायनिक क्या कैसा है, वो लोग अनुभव ने अब कहता है ये लिक्विड में आ गया है, लिक्विड से स्प्रे करना होगा, यूरिया की बोरी नहीं छींटना होगा। वजन वजन में भी क्या कुछ समस्या आती है क्या? वजन में तो वही है, 45 किलो है यूरिया का रेट, 45 किलो, और अन्य खाद में भी वजन ठीक ठाक मिला जुला ठीक ही है, थोड़ा मोड़ा तो कम बेस होता ही है। अरे सर, पहले के सरकार हुआ करते थे, अभी के सरकार में कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं? कोई अंतर नहीं है, कोई विकास नहीं हो रहा है, रोड रास्ता वैसा ही है, गांव का मुहैया वही है, लेबर मजदूर किसान सब जितने भी हैं सब बर्बाद है, घर बेघर है, किसी के पास कोई आमदनी नहीं है और वो सब भूखमरी के कगार पर है। ये इलाका सुनते कि बाढ़ ग्रसित है, बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ में 3-4 महीने हम लोग बाढ़ से ही प्रभावित रहते हैं और यहाँ कोई किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपने शराबबंदी पर जो निशाना ठोका है, अभी आपने शराबबंदी पर बताया कि शराब चालू है, तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे सरकार से, और आप लोग क्या चाहते हैं? शराब, हम एक बात बताना चाहते हैं, शराब बंद है तो क्या शराब बंद ये ठीक नहीं है, या फिर शराब चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं शराब का ही मुद्दा उठता है। देखिए, हम लोगों का कहना है जो लोग दिन भर जो काम करता है खेत में, वो दिन भर थक जाते हैं, तो उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, जिससे शराबबंदी, सरकार का भी नुकसान है शराबबंदी से। ऐसे कहीं ना चोरी छुपी बिक ही रहा है, कहीं ना कहीं चलता ही है, और ये कभी खत्म होने वाला है, खत्म सरकार जितना भी दावा कर, हाँ कितना भी दावा ठोक ले, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं। ये देख रहे हैं कि शराब जो है पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन बंद नहीं है, बंद नहीं है, चल रहा है। 5 साल हो चुका है, और 5 साल 6 साल बोलिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से ही मतलब ये शराबबंदी लागू किया गया, लेकिन आज तक कहीं ना कहीं देखा जाता है हर जगह पे जो है शराब आता है, शराब की बोतलें फूटती है। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। और एक बार ये बताएंगे कि यूरिया और डीएपी के बारे में जो आपने बताया है, तो इसका सरकारी रेट क्या है और आप लोग को कितना में मिलता है? 266 रुपया यूरिया का रेट है, लेकिन 330 रुपया में लेता है। अच्छा, अगर हम लोग विरोध करते हैं तो कहते हैं जहाँ जाना वहाँ जाओ, हमको तो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगता है, या मेसर्स जो है जैसे अशोक ग्रहण है, महावीर ग्रहण है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले, वो लोग कहते हैं जैसे ऊंचा दाम पे ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लेकर के तो हमको 330 रुपये में यूरिया देता है। तो आप ऊपर से पदाधिकारी से बात नहीं करते हैं इस मामले? किसको क्या कहें, कोई यानी
वो क्या कहते हैं, फोन करने वाला कोई नंबर इन लोगों का होता है, उस पर नंबर करते हैं, उनका नंबर व्यस्त बताता है। अच्छा सर, ठीक है, आप अपना परिचय एक बार बताएंगे। मेरा नाम शत्रुघ्न है, ग्राम गुडमी, पंचायत बिशुनपुर, जगदीश, बोचहा प्रखंड के रहने वाला हूँ। बिल्कुल।